आज का राशिफल द 12th of June 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 12 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की उदय तिथि षष्ठी और बुधवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज बुधवार शाम 7:17 तक रहेगी। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और हर्षण योग का संयोग रहेगा। आज बुधवार देर रात 2:13 तक मघा नक्षत्र रहेगा। साथ ही 12 जून को शाम 5:17 तक हर्षण योग रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:01 से 5:09 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:10 में और सूर्यास्त शाम 6:55 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज सुबह 6:07 से सुबह 7:56 तक है। आज बुधवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल दोपहर 12:26 से दोपहर 2:07 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृषभ राशि में मौजूद है, साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं: स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धर्म, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज बुधवार है। बुधवार का महत्व क्या है? बुधवार के दिन भगवान गणेश को पूजन करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में सहायता करते हैं। गणेश जी की पूजा को सभी देवी देवताओं की पूजा में प्रथम स्थान प्राप्त है और उनकी कृपा से ही किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से हर प्रकार की आध्यात्मिक और लौकिक संघर्षों में सहायता मिलती है। ये दिन शुभ होता है और किसी भी नई शुरुआत को आशीर्वादित करने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के लिए निम्नलिखित विधि का पालन किया जाता है: 1. स्नान। पूजा करने से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। 2. वस्त्र। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। 3. स्थान। पूजा करने के लिए पवित्र स्थान का चयन करें और उसमें बैठें। 4. सामग्री। गणेश जी को दीप, फूल, कपूर, धूप, रोली, लाल चंदन और मोदक आदि से पूजें। 5. उपहार। उबली हुई साबुत मूंग में घी और चीनी मिलाकर गाय को खिलाएं। 6. तिलक। भगवान गणेश को सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। 7. गांठ। ताजी दूर्वा की गांठ को उनकी मूर्ति के समीप स्थापित करें। बुधवार के दिन श्री गणेश को 21 जावित्री अर्पित करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 8. मंत्र। गणेश मंत्रों का जाप करें और उनके आरती करें। ओम गम गणपते नमः जाप करें। यह मंत्र गणेश जी की पूजा और आराधना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका जाप करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी सभी कार्यों में बाधाओं को हरते हैं और समस्त विघ्नों को दूर करते हैं। इस प्रकार बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर होती हैं और उन्हें सफलता की प्राप्ति होती है।
इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा को समर्पित भाव से करना चाहिए और उनकी कृपा को प्राप्त करने का आशीर्वाद लेना चाहिए। बुध ग्रह को कुंडली में शक्तिशाली बनाने के लिए मंत्र ओम भू बुधाय नमः। यह मंत्र बुध ग्रह के शुभ फल को प्राप्त करने और उसकी शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। इस मंत्र का नियमित जप करने से बुध ग्रह की दशा में सुधार हो सकता है और व्यक्ति को बुद्धिमानता और समझ में वृद्धि हो सकती है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 12 जून के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है, साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। यह मतलब है कि आपको आज कुछ नया सीखने और अपनी कला में माहिर होने का मौका मिलेगा। सुख संपत्ति में भी आपको इजाफा होगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। आपके कारोबार में भी आज कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि कोई डील लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह भी आज पूरी हो सकती है, जो आपके व्यवसाय में नए संवाद का द्वार खोल सकती है। वैसे तो आपका मनमाना व्यवहार आपको अधिक समस्याओं में डाल सकता है, इसलिए ध्यान दें कि आप अपने विचारों को संभाल कर रखें। किसी के मामले में अधिक ना बोलने से भी सावधान रहें, क्योंकि इससे आपके कामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। परिवार में भी आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी को कोई जिम्मेदारी देने का विचार कर रहे हैं तो उस पर खरे उतरेंगे और उसे पूरा करने में सक्रिय रहें। राजनीति में भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आज के दिन आपको समय का सही इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग लेमन। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है सूर्य भगवान की पूजा करना और सूर्य मंत्र का जाप करना। सूर्य भगवान हिंदू धर्म में सूर्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो ऊर्जा ज्ञान और बल का प्रतीक है। उनकी पूजा और मंत्र जाप से जातकों को सूर्य के शक्तिशाली गुणों का लाभ मिलता है। सूर्य भगवान की पूजा करते समय एक स्वच्छ और सुगंधित स्थान पर बैठे, फिर उनकी प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं और दृढ़ निश्चय के साथ उनकी पूजा करें। आप सूर्य अर्घ्य, चंदन, रक्त, वस्त्र, मिठाई और फल चढ़ा सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप करते समय एक माला या जाप माला का उपयोग करें। सूर्य मंत्र का प्रमुख जाप है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र को 108 बार जाप करें या जितनी संभव हो सके। यह उपाय करने से मेष राशि के जातक सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव से लाभान्वित होते हैं। उनका स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होती है और उन्हें सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह उपाय उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह को भी बढ़ाता है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने कारोबार में अपनी कमाई को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। अपने उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने का समय है, जो आपके व्यवसाय को और भी सशक्त बना सकता है। आज धन को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए और किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। आपको माताजी की ओर से कोई उपहार मिल सकता है जो आपको आनंदित कर सकता है। परिवार में किसी सदस्य की ओर से खुशखबरी मिलने से आज का माहौल खुशनुमा रहेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आज कहीं आवेदन करने का मौका मिल सकता है, जिससे उनके शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं। आप परिवार में सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन कोई सेहत संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी, इसलिए डॉक्टरी परामर्श लेना आवश्यक हो सकता है, ताकि आप समस्या का समाधान कर सके और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सके। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग सफेद। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन का उपाय है हनुमान जी की पूजा और 12 नामों का जाप करना। हनुमान जी को सबसे बलशाली और वीर देवता माना जाता है, जो भक्तों की सभी संकटों को दूर करते हैं और सुख शांति देते हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय सबसे पहले उनके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का उच्चारण करें और फिर उन्हें सिंदूर, अरंडी का तेल, सिंदूर, गुड़ और घी से चढ़ाएं। उन्हें लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र और लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके 12 नामों का जाप करें। ये 12 नाम हैं: 1.
ऊ हनुमते नमः 2, ऊ महावीराय नमः 3, ऊ मारुतात्मजाय नमः 4, ऊ महाबलाय नमः 5, ऊ रामदूताय नमः 6, ऊ पंतजनाभाय नमः 7, ऊ अंजनेयाय नमः 8, ऊ वायुपुत्राय नमः 9, ऊ महाकायाय नमः 10, ऊ श्रीरामदूताय नमः 11, ऊ पवनसुताय नमः 12, ऊ संकटमोचनाय नमः। इस उपाय को नियमित रूप से करने से वृषभ राशि के जातकों को समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है और उन्हें धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये पूजा और जाप उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी हो सकता है। आपको अपने प्रयासों और परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा। ये सफलता व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने का सही समय है। चाहे वह जमीन हो, मकान हो या किसी वाणिज्यिक संपत्ति में निवेश हो, यह आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा। संपत्ति की सही जानकारी प्राप्त करने और विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही निवेश का निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण आज रंग लाएंगे। आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी और आपकी स्थिति में सुधार होगा। इस दौरान अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आपके सहयोगी और उच्चाधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। व्यापार में आज पुराने योजनाओं से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये समय उन योजनाओं पर पुनर्विचार करने का है जिन्हें आप पहले शुरू कर चुके थे। नवीन दृष्टिकोण और रणनीतियों को अपनाकर आप अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग आज खुल सकते हैं। आपको नए अवसर और संभावनाएं मिलेंगी जो आपके करियर को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। ये समय अपने कौशल को निखारने और नए कौशल सीखने का भी है। आपको किसी काम को लेकर थोड़ा परेशान रहना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी और आपको अपने काम में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी। अपने दोस्तों के साथ समय बिताने से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। अध्ययन में ध्यान केंद्रित करें और नियमित रूप से पढ़ाई करें। आपकी मेहनत और समर्पण से ही आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। इस प्रकार आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए समग्र रूप से शुभ और सफलता से भरा हो सकता है। उचित योजना और समर्पण के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान शिव को 21 बेलपत्र चढ़ाना। भगवान शिव हिंदू धर्म में त्रिदेवों में एक महत्वपूर्ण देवता है, जिन्हें भोलेनाथ, महाकाल, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाना एक प्रमुख उपाय है जो भक्तों को आनंद, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इस उपाय को करने के लिए पहले एक पवित्र स्थान पर जाएं जहां भगवान शिव की प्रतिमा हो। फिर 21 बेलपत्र लेकर उन्हें ध्यान से और भक्ति भाव से शिवलिंग के आसपास चढ़ाएं। साथ ही हर बेलपत्र पर केसर का टीका लगाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पित करें। ध्यान दें कि यह पूजा स्नान के बाद की जानी चाहिए और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने स्नान करना भी उत्तम माना जाता है। यह उपाय करने से मिथुन राशि के जातक भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि आती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें मानसिक शांति मिलती है और उनकी सभी कठिनाइयों का समाधान होता है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए कई तरह की सकारात्मकता और उन्नति लेकर आने वाला है, विशेषकर नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण को सराहा जाएगा, जिससे आपके कार्य में उत्साह बढ़ेगा। आपको अपने कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं, जिनसे आपकी आय में वृद्धि होगी और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए ये दिन विशेष फायदेमंद हो सकता है। आज आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
इस नए प्रोजेक्ट से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों की बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होगा। अधिकारी आपकी क्षमता और काम की गुणवत्ता को परख सकते हैं, इसलिए उनकी सलाह और दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि काम में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। आज का दिन निवेश के लिए भी अच्छा है। आपको किसी अच्छे निवेश के अवसर मिल सकते हैं, जहां दिल खोलकर धन लगाने से भविष्य में लाभ होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निवेश करें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनके लिए योजनाएं बनाना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन आपको अपने आलस्य पर नियंत्रण रखना होगा। आलस्य के कारण आप अपने कामों में लापरवाही बरत सकते हैं, जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए सकारात्मकता, आर्थिक लाभ और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। अपने काम में समर्पण और सतर्कता बनाए रखें ताकि सभी अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग चांदी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान शनि की मंदिर जाना और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना। भगवान शनि हिंदू धर्म में कर्म, न्याय और धर्म के देवता माने जाते हैं। उनका पूजन और मंत्र जाप करने से जीवन में समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति को कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको भगवान शनि की मंदिर जाना होगा। वहां पहुंचकर ध्यान और श्रद्धा के साथ भगवान शनि की प्रतिमा के सामने बैठे, फिर ॐ शं शनिश्चराय नमः का मंत्र 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय आपको भगवान शनि की कृपा की कामना करनी चाहिए और उन्हें अपने कर्मों में सुधार करने की शक्ति देने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय के प्रतिदिन करने से कर्क राशि के जातक भगवान शनि की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। भगवान शनि की कृपा से वे सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होते हैं। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। कोई बड़ी सफलता या चुनौती नहीं होगी, लेकिन दिन शांति और स्थिरता में बीतेगा। ये समय अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का है। किसी से कोई वादा करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना आवश्यक है। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचे, क्योंकि इससे भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएं। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बातचीत करने में व्यतीत करेंगे। ये समय आपको आराम और मानसिक शांति देगा। मित्रों के साथ बिताया गया समय आपके मनोबल को बढ़ाएगा और आपको ताजगी महसूस होगी। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। यह मुलाकात सुखद और आनंददायक होगी। अतिथियों का स्वागत करें और उनके साथ समय बिताकर आप अपने सामाजिक संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की पद व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी और आपको सम्मान मिलेगा। ये समय अपने नेटवर्क को विस्तारित करने और अपने प्रभाव को बढ़ाने का है। कार्यक्षेत्र में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए धैर्य और सूझबूझ की आवश्यकता होगी। सहयोगियों की मदद लें और समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। यदि आपको किसी काम के लिए अपने परिवार के सदस्यों से मदद की आवश्यकता है, तो वह भी आपको आसानी से मिलती दिख रही है। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी सहायता से अपने काम को सुगम बनाएं। आपको अपने खानपान से संबंधित मामलों में लापरवाही दिखाने से बचना होगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और संतुलित आहार लें। नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए सामंजस्य और स्थिरता से भरा होगा। अपने कार्यों में संयम और धैर्य बनाए रखें और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग मैरून। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पालन करने से आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आपको दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। ध्यान दें कि पूजा के लिए एक शुभ मुहूर्त का चयन करें। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को कुमकुम से चढ़ाएं। कुमकुम का अर्थ है शक्ति और सौभाग्य की प्रतीक्षा। फिर आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।
इस मंत्र का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। उसके बाद माँ दुर्गा को कपूर से आरती करें। इससे घर की वातावरण में शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अंत में माता दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। ये नामों का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। इस उपाय को करके सिंह राशि के जातक अपने जीवन में समस्त संदेहों और कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको आत्मविश्वास देता है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ उलझने लेकर आ सकता है। आपके द्वारा लिए गए कुछ गलत निर्णय आपको परेशान कर सकते हैं। ये समय धैर्य और सूझबूझ से काम लेने का है ताकि आप समस्याओं को हल कर सके। आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे जिससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आत्मविश्लेषण और परिपक्वता से निर्णय लें। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करें और उनके विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। तालमेल और सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव पर भरोसा करें और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय संयम बरतें। बाहरी प्रभावों से बचकर आप सही निर्णय ले सकेंगे। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। ये समय संयम और धैर्य के साथ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का है। आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता का फल आपको मिल सकता है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। ये समय आपके रिश्ते को मजबूत बनाने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का है। शॉपिंग के दौरान एक दूसरे की पसंद और आवश्यकताओं का ध्यान रखें और मिलजुल कर निर्णय लें। इस प्रकार आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ चुनौतियों और उलझनों से भरा हो सकता है। धैर्य, संयम और सही निर्णय लेने की क्षमता से आप इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। पारिवारिक तालमेल बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु की पूजा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग का वस्त्र प्राचीन काल से सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। 2. फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके लिए प्राचीन पूजा पद्धति के अनुसार भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे। 3. उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। 4. आप पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 5. मंत्रों का जाप 1, 3, 5, 9 या 11 माला करें। मंत्रों का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यह आपको स्थिरता और समानता की भावना प्रदान करेगा। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। आपको कोई नया अवसर या प्रमोशन मिल सकता है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपनी मेहनत और समर्पण को बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आपको बिजनेस में छुटपुट लाभ के अवसरों पर ध्यान देना होगा। ये समय छोटे छोटे मौकों का सही ढंग से उपयोग करने का है जो भविष्य में बड़े लाभ में परिवर्तित हो सकते हैं। अपने समय का सदुपयोग करें और योजना बनाकर काम करें। बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसका पूरा लाभ उठाएं। आप बहुत घूमते हैं इसलिए आपको अजीब गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। सतर्क रहें और अपने समय और ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। अनुचित गतिविधियों से बचकर आप अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। आपको और आपके जीवन साथी को अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा और आपसी समझ बढ़ाएगा। पारिवारिक गतिविधियों में सहभागिता से आप मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं।
छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ये समय नए कौशल और ज्ञान को हासिल करने का है। विभिन्न विषयों में आवेदन करके आप अपने करियर विकल्पों को विस्तारित कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आपको किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ये समय आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। धार्मिक आयोजनों में सहभागिता से आपको सकारात्मक ऊर्जा और नई दृष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए सकारात्मक अवसरों और महत्वपूर्ण निर्णयों से भरा हो सकता है। अपने करियर, बिजनेस, परिवार और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें और अनुचित गतिविधियों से बचकर आगे बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग भूरा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय तुला राशि के लिए है, हनुमान जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम बसे हुए दिख रहे हैं। इस उपाय को करने से प्राचीन समय से ही धन की प्राप्ति और ऋण मुक्ति में सहायता मिलती है। सबसे पहले हनुमान जी के प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें जिसमें वे सीता राम के साथ हैं। ये स्थापना आपको उनके उत्कृष्ट भक्ति और सेवा का प्रतीक है। फिर हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं। ये दीपावली के पर्व की तरह है जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। दीपकों को जलाने से पूर्णतया ध्यान और श्रद्धा के साथ आप अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। लाल फूल उनको समर्पित किए गए बलिदान और प्रेम का प्रतीक होते हैं। ये भी आपके आर्थिक समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। अंत में हनुमान जी से धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। आप अपनी संघर्षों और प्रयासों की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र हनुमान जी को समर्पित है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। ध्यान रखें कि यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। आपके इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने मन, शरीर और आत्मा की समर्पणा करें। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन आपको अपने खर्चों को बढ़ाने से सावधान रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च से बचें और बजट का पालन करें। ये सावधानी आपकी आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने में मदद करेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता से आपको लाभ होगा। सही समय पर सही निर्णय लेने से आप कई समस्याओं से बच सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। अपने निर्णयों में सूझबूझ और आत्मविश्वास बनाए रखें। यदि परिवार के बड़े सदस्यों के बीच किसी विषय पर कोई विवाद हो तो आपको उन्हें शांत कराने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आपका समझदारी भरा रवैया महत्वपूर्ण होगा। संवाद और समझदारी से विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। आपको अपने आसपास रहने वाले शत्रुओं पर ध्यान देना होगा। उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और सतर्क रहें। अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखें। किसी समस्या के कारण आप अपने बच्चों से नाराज हो सकते हैं। बच्चों के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आएं। उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें और उन्हें सुलझाने में मदद करें। नाराजगी से बचकर संवाद को बढ़ावा दें। जब माताजी आपको कोई जिम्मेदारी देती है तो उसे समय पर पूरा करना चाहिए। माताजी की बातों को गंभीरता से लें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय पर करें। इससे परिवार में आपकी प्रतिष्ठा और विश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सतर्कता और जिम्मेदारी का है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, निर्णय सोच समझकर लें, पारिवारिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करें और शत्रुओं से सतर्क रहें। बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखें और अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग भूरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए हनुमान जी का ऐसा चित्र स्थापित करें जिसमें उन्होंने संजीवनी बूटी का पर्वत उठा रखा है। संजीवनी बूटी हनुमान जी की शक्ति और चमत्कार का प्रतीक है जो रोगों और बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। आपको हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक स्वास्थ्य की लक्ष्मी का प्रतीक है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। इसे जलाने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। उन्हें खीर और तुलसी दल का भोग अर्पित करें। खीर और तुलसी का भोग हनुमान जी को प्रसन्न करने और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक होता है। तुलसी की पूजा से आपको मानसिक शांति, शारीरिक ताकत और स्वास्थ्य की देखभाल मिलती है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें।
आप हनुमान जी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा और उन्हें दूर किए गए संकटों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति आदर और भक्ति का प्रतीक है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आपको इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय भक्ति और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। आपको इस उपाय को समर्पित करने से पहले आदर्श प्रक्रिया के अनुसार साफ सुथरी और शुद्ध मन से करना चाहिए। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए उलझन भरा हो सकता है। कई मुद्दे और समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, जिनका समाधान ढूंढने में समय और प्रयास लग सकता है। संयम और धैर्य से काम लें। कृपया लेन देन की समस्याओं के प्रति सावधान रहें। वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। सभी दस्तावेजों और वित्तीय जानकारी की जांच करें। आप नई नौकरी लेने में व्यस्त रह सकते हैं, जिससे आपको अपनी पिछली नौकरी पर कम ध्यान देना होगा। अपने समय का सही प्रबंधन करें और पुराने कार्यों को भी महत्व दें। नई नौकरी की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन वर्तमान जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें। अपने खर्चों के बारे में सावधानी से सोचें। अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट का पालन करें। वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए समझदारी से खर्च करें। अगर आप लंबे समय से बदन दर्द से परेशान हैं तो इसे नजरअंदाज नहीं करें। चिकित्सक से परामर्श लें और उचित उपचार करवाएं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और आराम के लिए समय निकालें। पारिवारिक मुद्दों को बाहरी लोगों के सामने न लाएं। परिवार के भीतर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें और गोपनीयता बनाए रखें। संवाद और सहयोग से पारिवारिक तनाव कम करें। कार्यक्षेत्र में आपसे गलतियां हो सकती हैं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। सावधानी और ध्यानपूर्वक काम करें ताकि भविष्य में गलतियों की संभावना कम हो। आज आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। अपने पसंदीदा व्यंजनों का लुत्फ उठाएं और भोजन के साथ समय बिताकर तनाव कम करें। परिवार या दोस्तों के साथ भोजन का आनंद लेने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस प्रकार आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए मिश्रित अनुभवों से भरा हो सकता है। संयम धैर्य और समझदारी से काम लें और अपने स्वास्थ्य वित्त और पारिवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करें। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। धनु राशि का उपाय रेमेडी भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप दीप फल फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारी भरा रहेगा। आपको कई महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करना होगा और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना होगा। अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो आज वह पूरी हो सकती है। यह आपके लिए संतोष और खुशी का कारण बनेगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताएंगे, मौज मस्ती करेंगे और पारिवारिक समस्याओं को भी मिलकर सुलझाएंगे। पारिवारिक समय आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। नौकरी चाहने वालों को आज बेहतर अवसर मिल सकते हैं। ये समय आपकी मेहनत और योग्यताओं को पहचानने का है। अपने कौशल और अनुभव का पूरा लाभ उठाएं और नए अवसरों का स्वागत करें। आप कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। यह आपके लिए नए अवसर और चुनौतियां लाएगा। सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अच्छी योजना और समर्पण आवश्यक है। आपकी अपने भाई बहनों के साथ अच्छी बनती है। आपसी समझ और सहयोग से आपके संबंध और मजबूत होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से आपको समर्थन और प्रेरणा मिलेगी।
छात्र नई चीजें सीखते हैं जिससे उन्हें शिक्षा में आने वाली चुनौतियों से आसानी से पार पाने में मदद मिलती है। ये समय नए कौशल और ज्ञान को प्राप्त करने का है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। इस प्रकार आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारी, परिवार और नए अवसरों से भरा हो सकता है। अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण से पूरा करें और परिवार के साथ समय बिताकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस होरोस्कोप। आज आप मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं और आपका कारोबार भी अच्छा रहेगा। ये समय है अपने कार्यों में रंग भरने का। आपको किसी को सलाह देने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने विचारों को सही समय पर व्यक्त करें। आज आपके बच्चों के विकास में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। अपने बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी प्रगति का ध्यान रखें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होगा। आप आय के स्रोतों पर ध्यान देंगे और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे। रोमांटिक जीवन जीने वाले लोग अपने पार्टनर के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए नियमित व्यायाम और सही आहार का पालन करें। आपका कोई मित्र किसी बात पर आपसे नाराज हो सकता है। समस्या को समझें और समाधान ढूंढें। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती और संतान के विकास के साथ साथ सावधानी और समय समय पर धैर्य बनाए रखने का हो सकता है। अपने रोमांटिक संबंधों को मजबूत और स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखें। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय कुंभ राशि के लिए संकटों को दूर करने के लिए हनुमान जी के गदाधारी चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी का ये स्वरूप उनकी शक्ति और संकटों को परास्त करने की क्षमता को प्रतिपादित करता है। आपको हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। चमेली का तेल आत्मविश्वास और संगीनता का प्रतीक होता है। इस दीपक के जलने से आपका मन शांति, स्थिरता और निरंतरता की ओर अग्रसर होता है। उन्हें सिंदूर अर्पित करें, जो उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। सिंदूर का ये प्रतीक आपकी संगीनता, स्थिरता और उत्साह को प्रकट करता है। इसके बाद हनुमान जी से संकट दूर करने की प्रार्थना करें। आप उन्हें अपने संघर्षों, संकटों और चुनौतियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मंत्र ओम श्री हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है और आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। आपको इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय भक्ति और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। आपको इस उपाय को समर्पित करने से पहले आदर्श प्रक्रिया के अनुसार साफ सुथरी और शुद्ध मन से करना चाहिए। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। मीन राशिफल टुडेज पाइसीज होरोस्कोप। सफलता की सीढ़ियां। आज का दिन आपके लिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को आप सहजता से सामना करेंगे और सफलता को अपने वश में करेंगे। पिकनिक की योजना। आप पिकनिक या अन्य आनंदमय कार्यों की योजना बना सकते हैं। इससे आपका मनोरंजन और आत्मरंजन दोनों होगा। प्रियजनों का साथ। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से आपको पूर्ण सुख और सहयोग मिलेगा। उनके साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न और शांत रहेगा। परिवार में सकारात्मक कार्यक्रम। अपने परिवार में सकारात्मक कार्यक्रम का आयोजन करें। यह आपके परिवार के सदस्यों को साथ में बांधेगा और संबंधों को मजबूत करेगा।
निवेश की रिटर्न। यदि आपने पहले से ही सिस्टम में निवेश किया है तो आपको इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। अपने निवेशों को संभालें और बढ़ते दौर में सुनिश्चित करें। सकारात्मकता। आप अपने जीवन में सकारात्मकता और उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए सफलता, खुशियों और सहयोग का हो सकता है। आपके प्रियजनों के साथ समय बिताने और सकारात्मक कार्यों का आनंद लेने के लिए तैयार रहें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग सफेद। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है माता दुर्गा को 16 अपराजिता फूलों का अर्पण करना मनोकामना को पूरा करने के लिए। इस उपाय को करते समय विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले आपको माता दुर्गा के मंदिर जाना होगा। वहां पहुंचकर माता दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठे और ध्यान और श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना को लेकर प्रार्थना करें। फिर लाल रंग की कलम का उपयोग करके एक पीले कागज में अपनी मनोकामना को लिखें। इसके ऊपर 16 अपराजिता फूलों का अर्पण करें। अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माता को समर्पित करें। यह उपाय करते समय ओम दूध दुर्गाय नमः या ओम ह्री क्लीम चामुंडय विच्चे जैसे मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की कृपा की प्रार्थना करें और उन्हें अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति दें। इस उपाय करने से मीन राशि के जातक माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा यह उपाय उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। यह उपाय आपको मनोकामना पूरी करने के लिए आने वाला बुधवार तक जारी रखना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी।